back and forth. चना होता है ना, चने में छिलका होता है या नहीं होता है? छिलका किसे कहा जाता है? हैं? देह अभिमान का छिलका। ऐसे देह अभिमान का छिलका, ऐसे छिलके वाला दाना कितना भी पावरफुल हो, अकेला इस हेल की दुनिया को खत्म नहीं कर सकता है। इसके लिए संगठन की पावर चाहिए। माला को ही संगठन कहा जाता है। जब ऐसे सशक्त संगठन की माला बन जाएगी, तो इस हेल की दुनिया का अंत हो जाएगा। नहीं तो आज की दुनिया में तो बड़े बड़े भारी भारी संगठन देखने में आते हैं। मुसलमानों के मक्का मदीना में हज करने जाते हैं, वहां कितनी भारी तादाद में मुसलमानों का संगठन होता है। इतना बड़ा संगठन दुनिया में कोई धर्म वालों का नहीं होता। फिर क्या ये हेल की दुनिया खत्म हो जाती है? और ही बढ़ती रहती है। तो सशक्त संगठन चाहिए। ऐसा संगठन जो भगवान ने आकर के बनाया था, जिसमें सभी धर्मों की श्रेष्ठ आत्माओं को हिस्सा मिला था। उस सशक्त संगठन को माला कहा जाता है। माला रूपी संगठन है जो दुनिया के हर धर्म में सिमरण किया जाता है। जरूर ऐसा संगठन बना है जिसने इतनी बड़ी हेल की दुनिया को खत्म कर दिया था। और हेल खत्म करके हेवन को प्रत्यक्ष कर दिया था। तो ये काम एक का हो सकता है क्या? अनेकों का है, परंतु वो अनेक एक ही धागे में पिरोए हुए होने चाहिए। स्मृति की डोरी सब की एक से जुड़ी हुई हो। तब ही इतनी बड़ी हेल की दुनिया खत्म हो सकती है। भाड़ भाड़ माने हेल। हाँ जी, आंखें खोल करके ज्ञान तो सुनना ही होता है, लेकिन दुनिया में जब याद करते हैं भगवान को तो आंखें बंद कर लेते हैं।
आंखें बंद करके याद करेंगे तो क्या ये पक्का है जब शरीर छूटेगा तब आंखें बंद होंगी? इसलिए अंतमते सुगते पाने के लिए सदैव जागती ज्योति बनना है। आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं होना चाहिए। जो आंखें बंद करके याद करते हैं उनके लिए नहीं कह सकते कि उनका इंद्रियों पर कंट्रोल है। उनको कर्मयोगी नहीं कहेंगे। कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं, आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, मुख से बोला जाता है। तो कर्मयोगी बड़ा या इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने वाला बड़ा? बाप आकर हमको कर्मयोगी बनना सिखाते हैं। बाप गृहस्थियों को पढ़ाने आए हैं या घर गृहस्थ के कर्म छोड़ने वाले सन्यासियों को पढ़ाने आए हैं? तो जो गृहस्थी है उनको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, कम कार्डे दिल यार्डे। चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, इंद्रियों से कर्म भी करते रहें और बुद्धि से याद भी करते रहें। ऐसी प्रैक्टिस जब पक्की हो जाएगी, मन बुद्धि एक बाप की याद में निरंतर लगी रहेगी, तो कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करेंगे, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, क्योंकि मन बुद्धि ईश्वर की याद में लगी हुई है, तो पाप कर्मों का भी कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, जो निष्ठावान है, बुद्धि को एकाग्र करने वाला है, पक्का योगी है, वो सारी दुनिया को खत्म कर दे, सारी दुनिया की हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। इतनी शक्ति आ जाती है आत्मा में। गुरु लोग जो देहधारी गुरु हैं वो कमजोर बनाते हैं या शक्तिशाली बनाते हैं? वो कमजोर पुरुषार्थ करते हैं और कराते हैं। सर्वशक्तिवान बाप तो आकर के बच्चों को शक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। और तो बाप के याद में रह के वो याद करते वो गुरु लोग, वो ब्राह्मण लोग जिनको बाप का पूरा ज्ञान नहीं है, वो क्लास में बैठ करके दृष्टि देते हैं या नहीं देते हैं? जब उनको बाप का परिचय ही नहीं है तो उनकी आत्मा रूपी बैटरी
जाति जाति की आंखों का संग लेने और देने से, संग के रंग से भ्रष्ट होगी या श्रेष्ठ बनेगी। इसलिए बोला है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है, तो बनती है तो बिगड़ती भी होगी कि नहीं। तो अनेकों की दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती है, वो चाहे ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुए ब्राह्मणों की सृष्टि क्यों न हो, और एक की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। क्यों? जो एक दृष्टि देने वाला है वो लगाव की दृष्टि देता है, या साक्षी होकर के दृष्टि देता है। साक्षी दृष्टा, किसी से उसका लगाव नहीं है, किसी जन्म का भी लगाव नहीं है, तो ऐसी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी या बिगड़ेगी? सुधरेगी। और पहले ही बता दिया ये क्या बड़ी बात है। जो औलिया लोग होते हैं, तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं, वो भी दिन मुकर्रर कर देते हैं कि इस दिन आना। हम उस भूत प्रेत आत्मा का आवाहन करेंगे तो वो आत्मा उसी दिन आती है। और ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं या स्थूल शरीर वाले हैं, तो उनको भी आने का दिन मुकर्रर किया जाता है, उसी दिन आते हैं। और कोई कोई टेम्पल्स में शनिवार को आत्मा आता है शनि प्रवेश करके कुछ, न कोई शनि देव होता है, न कोई महाकाली होती है। इस कलयुगी दुनिया में देव और देवताएं कहां से आ गए? ये तो भूत प्रेत आत्माएं हैं जो झूठ बोल करके तुम्हारी पूजा लेती रहती हैं, अपना प्रभाव प्रसर करती हैं, और हम अंधश्रद्धा पूर्वक उनको पूजन करते रहते हैं। पूजन करना अगर बंद कर दें तो वो अनिष्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे देवी देवताएं हैं, तो वो देवी देवताएं हैं या राक्षस राक्षसियां हैं? देवताएं तो देने वाले को देवता कहा जाता है। क्या देते हैं देवताएं? दुख देते हैं क्या? सुख देने वाले को देवता कहा जाता है। प्रश्न आया है, दादा लेखराज की आत्मा प्रजापिता में 1969 से प्रवेश करती है या 1976 से प्रवेश करती है? हैं? शंकर तो कहा ही तब जाता है जब तीन आत्माओं का संकरण हो, एक ही शरीर में ज्ञान सूर्य की भी आत्मा, उसी शरीर में ज्ञान चंद्रमा की भी आत्मा, और उसी शरीर में शरीरधारी की भी आत्मा।
अगर ज्ञान चंद्रमा प्रवेश न हो, मस्तक पर न दिखाया जाए, तो क्या उसे शंकर नामधारी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो वो ज्ञान चंद्रमा 76 में प्रत्यक्ष होता है या 69 में प्रत्यक्ष होता है, किसी मुकर्रर शरीर में कब से प्रत्यक्ष हुआ? 76 से। और अब तो जिम्मेवार लेता है, अब तो जिम्मेवार लेता है, कुछ ये आत्मा है श्रीमद में चलने वाला, बेटा हो गया तो बाप ही अपने आप ही श्रद्धा करता है। बाबा आत्माओं की गारंटी लेता है कि देह अभिमानी सांडों की गारंटी लेता है? तो आत्मा बने कोई? अगर आत्मा बने तो बाप जरूर गारंटी लेगा। आत्मा बने ही नहीं है, यह नंबरवार बने हैं, तो नंबरवार ही गारंटी काम आवेगी या पूरी गारंटी मिलेगी? नंबरवार मिलेगी। पाठशाला खोलने में अच्छा है, ये युगल दोनों यज्ञ में सरेंडर होना अच्छा है। जो गीता पाठशाला खोल के बैठते हैं, अगर श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, मान लो श्रीमत है मांगने से मरना भला, और गीता पाठशाला खोले बैठे हैं और भीख मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, तो उनको सरेंडर बुद्धि कहेंगे या नॉन सरेंडर कहेंगे? नॉन सरेंडर हो गए। और सरेंडर होने वाले भी अगर स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपना मान मर्तबा बढ़ाने के लिए भीख मांगते रहते हैं, तो उनको सरेंडर कहेंगे या नॉन सरेंडर कहेंगे? वो भी नॉन सरेंडर है। क्या बाहर की दुनिया में रहने वाले जो गीता पाठशालाएं खोले बैठे हैं, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेकर चलते हैं, वो सरेंडर बुद्धि नहीं कहे जाएंगे? उनको भी सरेंडर बुद्धि कहेंगे, वो भी राजाई पद पा सकते हैं। वो भी राजयोग सीखने वाले 16,000 की लिस्ट में आ सकते हैं, जिनके लिए डायरेक्शन भी मिला हुआ है। गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ, कैसा? मिनी मधुबन जैसा। गीता पाठशालाओं को मिनी मधुबन जैसा बनावेंगे तो मधुसूदन आवेंगे। गीता पाठशाला नाम ही तब पड़ता है, गीता मंदिर नाम ही तब पड़ता है, जो भक्ति मार्ग में
गांव गांव में शहर शहर में गीता मंदिर खुले हुए हैं। जरूर भगवान ने आकर वहां पढ़ाई पढ़ाई है। परंतु भगवान का विरुद्ध है, मधुबन में ही आवेंगे, मधुबन के अलावा और कहीं भी बाप दादा मिलन मेला नहीं मना सकते। मधुबन में मुरलिया बाजे तो गीता पाठशाला वालों का भी लक्ष्य है कि गीता पाठशाला ही न रहे, मधुबन बन जावे। और मधुबन में बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग की पढ़ाई है, तो जरूर राजा बनेंगे, राज परिवार में आवेंगे। राज परिवार की संख्या त्रेता के अंत में जाकर के 16108 हो जाती है। और इसी लक्ष्य से आता है कि आज नहीं तो कल गीता पाठशाला क्या बन जाएगी, मधुबन बन जाएगा। बिना मांगने से बाबा कोई ना कोई कुछ ना कुछ देते हैं ना, तब क्या करना बाबा? तो ऊपर हेड ऑफिस में सारा हिसाब देना चाहिए। बच्चे के तो सारा पोता मेल बाप के पास आता होगा। अगर पोता मेल बाप का बच्चे के पास नहीं आता है, क्या दुकान में आया और क्या दुकान में खर्चा किया, ये पोता मेल ही नहीं आता है। तो बच्चा सच्चा है या झूठा है बाप के प्रति? झूठा हो गया। ज्ञान का प्रसाद होता है कर्नाटक में, ज्ञान का प्रसाद होता है कर्नाटक में, स्कूल में प्रसाद नहीं आता, सोल में बरसात नहीं आता, तो वो सोल नहीं बनी होगी। हाँ, स्कूल में क्या बरसात नहीं आ रही? बरसात नहीं आती क्यों? अभी ठंडा कैसे है कर्नाटक में? अभी ठंडा मौसम है या गर्म मौसम है? ठंडा है तो जरूर आसपास कहीं बरसात हुई होगी। हाँ, बच्चे नाटकबाज हैं तो भगवान भी नाटक कर देता है। आगे चलकर बाबा सिर्फ मधुबन में आवेंगे और बच्चों को सूचना भी नहीं दी जाएगी। तो बाबा जो गीता पाठशालाओं में रोज क्लास करते हैं उनसे भी नहीं मिलेंगे। और मधुबन के कैसे गीता पाठशालाओं में क्लास करें या मधुबन में क्लास करें? कम से कम उनका रजिस्टर मधुबन हेड ऑफिस में पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? तो जो गीता पाठशाला के निमित्त हैं, माता हो या भाई हो, महीने में एक बार जरूर आना चाहिए ताकि गीता पाठशाला का सारा रजिस्टर, सारा पोता मेल मधुबन में दिया जा सके। जो पता लगे
कि कौन कौन स्टूडेंट्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, आते हैं या नहीं आते, आते ही नहीं है, दो महीने से भी ज्यादा हो गए, तो जो पारिवारिक संगठन है उस संगठन को बनाने वाले हैं उन्हें माला का बनाने वाला कहें या माला का बिगाड़ने वाला कहें? हैं? बिगाड़ने वाला हो गया, तो बाप के सहयोगी है या विरोधी है? विरोधी है, तो उन्हें बुला के भी क्या करेंगे? और विकल्प चलाना भी मनसा का काम है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नमस्कार करते हैं। हाँ हाँ, तो वो कभी ऐसे संकल्प को नहीं चलाते। क्यों करेगा? कुछ कर्म या बोली जो भी है सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो कुछ सोचकर कुछ नहीं करते। वो सोचता है या असोचता है? वो तो असोचता है, उसे सोचने की क्या दरकार? सोचने की दरकार उनको होती है जो ज्ञान लेने वाले हैं। हैं? क्यों? ज्ञान आकर नहीं सुनाता है? जो ज्ञान सुनाता है वो सोच सोच के सुनाता है क्या? मंथन करके सुनाता है क्या? कि डायरेक्ट ऐसे ही आकर सुना देता है? सुनाता है तो जड़ कैसे है? तो उसकी आत्मा में ज्ञान सुनाने का पार्ट ही नुदा हुआ है, रिकॉर्डेड है, उसको जड़ नहीं कहेंगे। वो जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य है। मन नहीं है तो चैतन्य कैसे है? मन नहीं है तो चैतन्य कैसे कहा जाए? परम धाम से फिर कैसे आ जाता है? भी मुद्दा हो रहा है। तो बस चैतन्य है तो उसे चैतन्य तब कहा जाता है जब बोलता चालता है। चैतन्य की मुरली में परिभाषा दे दी, क्या? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो मन की प्रयोग करने की जरूरत है तो भी चलेगा, मन प्रयोग करना या न करना ये उनका काम है जो मन से ग्यारहवीं इंद्रिय से बंधे हुए हैं। भगवान इंद्रियों से बंधा हुआ है, मन दस इंद्रियों का मुखिया है। अगर इंद्रियां काम करें और मन काम न करे, सहयोग न दे, तो इंद्रियों का काम फलीभूत होगा? हो ही नहीं सकता। भगवान के लिए नहीं कहेंगे कि वो इंद्रियों वाला है, भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, मन वालों का मन नहीं है। मन तो घोड़ा है, इसलिए मुरली में बोला है कि त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है, एक बकरी है और एक शेर है। अब बताओ घोड़ा कौन है? ब्रह्मा हुआ घोड़ा। घोड़ा कह दो, बैल कह दो, बात एक ही है। बाकी ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि शिव बाबा घोड़ा है, उसको लगाम लगाओ।
ये ब्रह्मा रूपी घोड़ा है जो कुलाचे भरता है। गीता का साकार भगवान कृष्ण है, तो उसको लगाम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? परंतु लगावेंगे तब जब पुरुषार्थ की हाई जंप होगी, तब ही बैल पर सवारी होगी। नहीं तो बैल सवारी करता रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि बच्चों में शिव प्रवेश करता है। शिव सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? वो तो एक व्यापी है। फिर बच्चों में प्रवेश करके कौन काम करता है? बाप दादा काम करते हैं। वो दादा कहे कौन है? जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो ही 500 करोड़ पत्तों का दादा है। पत्ता है, मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं है। पत्ता स्थूल होता है, बीज सूक्ष्म होता है। तो जो सूक्ष्म बुद्धि है उसको मनन चिंतन मंथन करने की, अभ्यास करने की जरूरत है। और मनन चिंतन मंथन मन से ही किया जाता है। और हाँ, दिल वालों को आराम देने वाला है। दिल वाले जो बच्चे हैं बाबा, ये तन, ये मन, ये धन, ये सब कुछ तेरा, तो सिर्फ कहने से मान जावेंगे या प्रैक्टिकल आकर के दिल एक एक की लेंगे? दिल लेंगे तब दिल वाला कहा जाएगा। और जो 8 घंटा याद की स्टेज में आ जावेंगे उनकी निरंतर याद हो ही जाएगी। 8 घंटा तक पहुंचने की लिमिट बता दी पुरुषार्थ की। अगर उस लिमिट तक नहीं पहुंचे हैं तो 24 घंटे याद भी नहीं हो सकती। और फादर को कभी भी देवंत नहीं कहेंगे, फादर को सभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत माने सर्वव्यापी, उसका अंत ही नहीं। बेअंत सर्वव्यापी में थोड़ा फर्क ही आएगा। बेअंत माने जिसका अंत है ही नहीं। सागर बेअंत है या पृथ्वी बेअंत है? सागर बेअंत है। तो जो ज्ञान सागर है वो एक टाइम ऐसा आता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, संगम युग के अंत में, जो सारी दुनिया की बुद्धि में एक ही व्याप्त हो जाता है, उसे एक की ही याद समा जाती है। वो कौन है? है
कौन बाप? बाप तो बेहद के दो हैं, है? हाँ, क्योंकि निराकार को तो सब याद ही नहीं कर सकते। बिंदु की याद में टिकना ये तो सिर्फ धर्म पिताओं का ही काम है, जो अपने अपने धर्म के बाप हैं, पावरफुल हैं। बाकी जो उनकी जनरेशन है वो बुद्धि में साकार से अटैच हो जाती है या निराकार से लगी रहती है? धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, फॉलो करने वाले, उनकी बुद्धि तो साकार में लग जाती है। परंतु उन धर्म पिताओं, उन बापों का भी जो बाप है कौन है? प्रजापिता आदम, एडम, आदिनाथ, वो तो सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। इसलिए एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो सभी धर्म पिताएं उसके सामने आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो सारी दुनिया की बुद्धि में बैठ जाता है एक सच्चा, बाकी सब झूठे। और भक्ति मार्ग में गायन भी होता है, वो गायन मरने के समय का है या जन्म लेने के समय का है या मध्यम जीवन का है? क्या गायन है? राम नाम सत्य है। वो राम वाली आत्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का बाप है। सबकी बुद्धि में अंत में समा जाता है। इसलिए जो झाड़ का चित्र बनाया गया है उसमें सभी आत्माओं को साथ लेकर के जाने वाला कोई रूप दिखाया है? शंकर का रूप दिखाया है। शंकर की बुद्धि में शिव बाप समाया हुआ है और जो जाने वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में बाप समाया हुआ है। तो भक्ति मार्ग में जो ये ज्ञान फैल गया, भले कहें अज्ञान है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये किसके लिए बोला है? वो कौन सा बाप है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है? वो परम पिता नहीं है, सब बापों का बाप नहीं है, उसका भी कोई बाप है, परंतु वो परम पाटधारी, हीरो पाटधारी आत्मा अवश्य है, इसलिए परमात्मा है। परम पिता सर्वव्यापी है या परमात्मा सर्वव्यापी है? क्या बोला? भक्ति मार्ग में जो गाते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, वो बात निकली कहां से? अरे, भक्ति मार्ग की सारी बातों का फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में। तो किस समय का गायन है? अंत समय में, जब आप 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप को पहचान जावेंगी,
तो उनकी बुद्धि में वो ही एक बाप समा जाएगा। साकार को याद करना सहज है या निराकार को याद करना सहज है? और वो साकार भी ऐसा हो जिसमें वो निराकार सदगुरु मुकर्रर रूप से प्रवेश होने वाला हो, तब का गायन है। परमात्मा सर्वव्यापी है और आत्मा सो परमात्मा। कौन सी आत्मा? क्या सभी आत्माएं सो परमात्मा? सभी आत्माएं परम पाटधारी हैं? नहीं, परम पाटधारी अर्थात हीरो पाटधारी तो रंगमंच पर एक ही होगा या सभी होंगे? एक ही हो। तो उसके लिए गायन होता है भक्ति मार्ग में, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, और परमात्मा सर्वव्यापी है। और अच्छा होता है, अच्छा होता है। तो आप भी जपिए, बोलो, हम पीछे पीछे हम भी बोलेंगे। बोलो भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई नहीं बोल रहा, आप तो बोलिए। हैं? हैं? बाबा अच्छा 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 हाँ, राम के भक्त, रहीम के बंदे, और हैं सब आंखों के अंधे। न राम भगवान है, न कृष्ण भगवान है, न रहीम और कबीर भगवान है। भगवान कौन है? जो जनमन के चक्र में ही नहीं आता है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो फिर वही पहुंच गए। अरे दुनिया बोलती है तो बोलती रहे, भगवान सर्वव्यापी है। हम तो उनको समझा सकते हैं। ये कहां का गायन है? भगवान सर्वव्यापी है। क्या वास्तव में भगवान सर्वव्यापी होता है? और भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहा जाता है, अभोक्ता को कहा जाता है, अकर्ता को कहा जाता है, कि भोगी को कहा जाता है? अभोक्ता को भगवान कहा जाता है। जो जनमन के चक्र से न्यारा है उसे भगवान कहा जाता है। और रामकृष्ण की आत्माएं जन्म जन्मांतर भोग भोगती है कि नहीं भोगती है? भोगती है। तो उन्हें भगवान कैसे कह देंगे? है भगवान की स्त्री तो कहते हैं ना। अरे ये कुछ पूछ रहे हैं, इनके बाद पूछ लेना। हाँ, जोर से बोलो। पूछ रहे हैं आदि में बताया राम फेल हो गया। राम फेल हो गया। हाँ हाँ, और यह भी बात है कि आदि सो अंत, आदि सो अंत। तो इसका मतलब होता है कि राम फाइनल में भी फेल होता है क्या? हाँ। सबसे ज्यादा पतित आत्मा कौन सी बनती है कलयुग के अंत में? तो फिर राम रावण नहीं हुआ? जो सबसे जास्ती पतित बनता है वो ही सबसे ज्यादा पावन बनता है। और पावन कौन बनाता है? शिव बाप। और कितनी देर में बनाता है? अरे पावन बनाने में उसको कितना टाइम लगता है? एक सेकेंड। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का
विष्णु पावन बन जाता है। ब्रह्मा अनेकों के नाम है या एक का नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम, ब्रह्मा को मुख ही पांच दे देते हैं, चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं, तो चार पांच ब्रह्मा हुए ना, सब एक ही जैसी क्वालिटी के होंगे कि नंबरवार होंगे? नंबरवार होंगे, तो विष्णु भी नंबरवार हुए। और अभी वो खड़ा है, उसको बोल लेने दो। हाँ, बाथरूम जाने के बाद स्नान करते हैं, बाथरूम जाने के बाद ऐसे शेव करने के बाद स्नान करते हैं, दोनों बातें गलत है। न मुरली में बोला कि बाथरूम जाने के बाद स्नान करो, और न ये कहा कि दाढ़ी बनाने के बाद स्नान करो। बाबा ने तो कहा टॉयलेट जाते हो उसके बाद स्नान करना है। हाँ, इसलिए ये बात भी गलत है कि शेविंग करने के बाद स्नान करना। अरे बाबा ने बोला ही नहीं। और कहाँ कहाँ की बातें याद आती है? लेकिन ये जो टॉयलेट जाने के बाद जो स्नान करने के जो क्या है, जब शौच क्रिया करते हैं तो छींटे सारे शरीर में पहुंच जाती हैं, इसलिए सारा शरीर गंदा हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? स्नान करके कपड़े बदलना चाहिए, बाहर की पवित्रता भी चाहिए तो अंदर की पवित्रता भी चाहिए। और बालाजी का मंदिर पुराना मंदिर है। हाँ, कौन बता रहा है? दुनिया में जो भी जो कुछ बताएंगे तो सारी बातें मानते जाएंगे, मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे। बाबा की बातों पर मनन चिंतन मंथन करना है या दुनिया जो कुछ कहेगी तो मनन चिंतन करना शुरू कर देना है? दुनिया वालों ने कहा माया सभ्यता की कैसे से है, 2012 में विनाश हो जाएगा। लोगों ने मनन चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया, तो ये दुनियावी लोगों का काम है या बाबा के बच्चों का काम है? दुनियावी लोगों का काम है सुनी सुनाई बातों पर चलना। क्यों नहीं? सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर हिलने लग पड़ेंगे, सब टूट जावेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। सब की बुद्धि 500 करोड़ की बुद्धि कहाँ लगेगी? माउंट आबू बड़े ते बड़ा तीर्थ है, तीर माने किनारा, था माने स्थान, सब की बुद्धि एक किनारे एक ठिकाने लग जाएगी। सबकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी तो विनाश ही हो जाना चाहिए या रह जाना चाहिए? और
की रावण चलता है ना। हाँ राम और रावण को इकट्ठे दिखाते हैं, दोनों को इकट्ठे दिखाते हैं ना। हाँ कैसे कैसे हो सकते राम और रावण? सबसे बड़ा रावण और सबसे बड़ा राम कौन बनता है? जो सबसे बड़ा राम है वो ही सबसे बड़ा रावण बनता है। तो छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा या पहले खुलेगा? बाद में खुलता है। जो पहले पहले खुल जाते हैं वो बड़े नहीं है, जो अंत में जाकर के खुलता है वो बड़े से बड़ा है। जो बड़े से बड़ा है वो दुनिया का बड़े से बड़ा संहार करने वाला साबित हो जाता है, बड़े से बड़ा संगठन बनाने वाला साबित हो जाता है। और ۲۰۲۸ में 4.5 लाख की पढ़ाई पूरी होती है। क्या ये सही बात है? मुरली में तो बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो बाबा किनको तुम बच्चे कहते हैं, वो उनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी है जिनको तुम बच्चे कहते हैं? है बस है, जो भी राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं बाबा से वो सारे ही उस लिस्ट में आते हैं, राज परिवार की लिस्ट में आते हैं। पहले राजाएं सतो प्रधान बनेंगे या प्रजा सतो प्रधान बन जाएगी? तो 2028 तक 50 वर्ष पूरे होते हैं, वो 16108 राज परिवार के भांति तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। फिर उनके पीछे पीछे लगे रहने वाले, जैसे कोई राजा होता है उस राजा के राज्य में ढेर सारी प्रजा है, तो क्या जो ढेर सारी प्रजा होती है वो सब राजा के ही भगत होते हैं या कोई कोई रानी के भी भगत बन जाते हैं या कोई राजा का जो बड़ा बच्चा है युवराज उसके भी भगत बन जाते हैं या छोटा बड़ा राजकुमार है उनके भी भगत होते हैं या नहीं होते हैं? तो 2028 तक जो 16108 की संख्या पूरी होती है फिर नंबरवार उनके फॉलोअर्स अर्थात प्रजावर्ग की आत्माओं का भी पुरुषार्थ पूरा होना शुरू होता है। तो 2028 से लेकर के 10 वर्ष तक 2037 तक पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। पूरी राजधानी तैयार होगी तो पूरा विनाश भी हो जाएगा। ये स्थापना और विनाश का कनेक्शन जुटा हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना ही विनाश होता जाएगा। करना क्या है?
राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनना है या विनाश करने में सहयोगी बनना है? स्थापना करने में सहयोगी बनना है। हाँ जी,